तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए न्यूज अपडेट्स आते रहें। हम मोदी जी को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के इतने नौजवान साथी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कितने बलि के बकरे चढ़ाएंगे, कितनों की वो वहां पे शहादत देंगे, और हमारे दिलों में आग लगी है। हमारे वो मोहल्ले में किराए पे रहते थे, कम से कम 8-10 साल से वो किराए पे रहते हैं। वो बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही हानिस्ट थे। जब भी वो चलते थे अपनी नजरें झुका के चलते थे और हर किसी से वो हंस के प्यार से मिलते थे। कभी किसी ने उनके साथ किसी ने किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं था। उनके परिवार में कौन कौन था? उनके बेटा और एक बेटा है और उनकी मिसेज है और उनका एक बेटा है। बहने हैं, दो बहने। वो डोडा से रहने वाले हैं। डोडा डोडा दो बहने मिलते होंगे। क्या कहते थे आपसे? कुछ बोलते थे? वेरी नाइस पर्सन सर। वो अपने ऑनेस्ट थे बहुत ज्यादा, अपनी ड्यूटी से मतलब रखते थे, किसी से फालतू बोलना नहीं। सुबह वो गाड़ी लेके अपना निकल जाते थे ड्यूटी पे। आखिरी बार कब मिले थे आपसे? चार दिन पहले मोहल्ले में जब आते थे ना किसी से फालतू बोलना है, कि उनका ये ऐसा बिहेवियर था कि कभी किसी से, हमेशा हर बंदे के साथ उन्होंने प्यार से पेश आना है। कभी उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि मोहल्ले में वो DSP है। हम यही कहते हैं शहीद अमन ठाकुर जी की अब आत्मा को शांति दी जाए, पर अब इतना टाइम नहीं रहा। सेंटर से मैं यही अपील कर रहा हूँ आज प्राइम मिनिस्टर जी से, जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, सर अब आपका टाइम खत्म है, चाहे आप आगे देखो, अब हमें आर पार का चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए न्यूज अपडेट्स आते रहें।